अरे आप सबको मेरे को न्यू वीडियोज में। और आज मैं मंदिर होके आ गया हूँ, क्योंकि आज था ट्यूसडे तो मैं मंदिर होकर ही आया हूँ आज। और आज हम बात करने वाले हैं, अगर आपने भी बोया का एम1 माइक ले रखा है और आपका भी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है, क्योंकि वो क्यों नहीं आ रही है और रिकॉर्ड क्यों नहीं हो रही, वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। और आप भी ब्लॉग वीडियो शूट करते हैं और उसमें वॉइस क्लियर नहीं आ रही, वॉइस रिकॉर्ड नहीं हो पा रही है, तो वो क्यों नहीं हो पा रही है, चलिए चलते हैं अपनी होम स्क्रीन पर, मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से। तो ये देखिए दोस्तों, ये है हमारा मोबाइल और मोबाइल में हम ओपन करते हैं प्ले स्टोर। और प्ले स्टोर करने के बाद इसमें हम ये देख रहे हैं, जैसे कि इसमें आता है प्ले स्टोर पर हमें करना है ओपन कैमरा। अगर आपने डाउनलोड कर लिया तो ठीक है, नहीं कर लिया हो तो मैं आपको बताने वाला हूँ। ओपन कैमरा इंस्टॉल करने के बाद इसको करते हैं हम ओपन। ओपन करने के बाद इसमें सेटिंग होती है ऑडियो सोर्स, वीडियो सेटिंग में जा करके ऑडियो सोर्स, तो इसको कर लेते हैं। अगर एक्सटर्नल माइक पर करेंगे तो ये बोया का किसी भी माइक आप इसे यूज करेंगे तो इस पर वॉइस रिकॉर्ड हो जाएगी। और अगर कैमकॉर्डर पर करेंगे तो इस पर विदाउट माइक के आप इसमें वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपने भी ये सेटिंग करी है या नहीं की हुई है, अगर ना करी हो तो इसमें आप सेटिंग कर सकते हैं और इसमें आपको अपलोड ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि किसी किसी मोबाइल में अपने जो जो मोबाइल स्मार्टफोन रहता है उसके जो कैमरा होता है उससे रिकॉर्ड नहीं होती वॉइस। तो अगर आपको ऐसे माइक से रिकॉर्ड करना है और आप करना चाहते हैं तो सबसे पहले इसके माइक को लेकर के अपने मोबाइल से अटैच कीजिए, और अगर उसमें वॉइस ना रिकॉर्ड हो रही हो तो ओपन कैमरा आप डाउनलोड कर सकते हैं, क्योंकि ओपन कैमरे में ये ऑप्शन आता है कि इसमें हम कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियोज और आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो लाइक और वीडियोज करके घंटी वाला बटन ज़रूर दबा दें, क्योंकि आज गया था मंदिर और मंदिर में हम सभी लोग प्रसाद चढ़ाते हैं, आपने सुना ही होगा। तो ये बात कोई निश्चित नहीं होती कि भगवान हमारी सुने या ना सुने, क्योंकि ये बात उसी प्रकार होती है जैसे कि सभी लोग राजश्री खाते हैं, सभी लोग मदिरापान करते हैं, किसी को कैंसर हो जाता है, किसी को नहीं होता है। तो आप निश्चित तौर पर करते रहिएगा प्रेयर, आज नहीं तो कल आपका होगा। आप राजश्री खाते हैं, दारू पीते हैं तो खाते रहते हैं लोग, कभी ना कभी तो उसको कोई ना कोई डायबिटीज़ या कोई ना कोई बीमारी शिकायत हो ही जाती है। उसी प्रकार भगवान का अपना कनेक्शन होता है, आप प्रेयर करते रहिए, हार मत मानिए। कोई भी काम हो या नेटवर्क मार्केटिंग का हो या किसी भी काम का हो, करते रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो दोस्तों, मैं लास्ट में आपसे इतना ही कहना चाहता हूँ, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आप मुझे सपोर्ट करें, मैं आपको सपोर्ट करूँगा, और आप ब्लॉग वीडियो बनाने के लिए ओपन कैमरा का इस्तेमाल ज़रूर करें।